वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। कोई नंगे पैर तो कोई कांवड़ लिए भोले बाबा के दर्शन को जा रहा है, लेकिन एक कलयुगी श्रवण कुमार कांवड़ पर अपने दादा दादी को लिए भोलेनाथ के दर्शन कर हरिद्वार से मेरठ तक पैदल आया है। मेरठ में एक ऐसी भक्ति देखने को मिली जिसमें भक्त भगवान के प्रति जितना श्रद्धावान है, दादा दादी की ममता के प्रति भी उसकी उतनी ही आस्था है। इस महीने में शिव भक्त गंगा से जल भरकर पैदल चलते हुए और सौंदर्य यात्रा को पूरा करते हुए देश दुनिया भर के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। वहीं आज मेरठ में एक ऐसा ही शिव भक्त देखने को मिला जो गंगा जल लेकर भोले बाबा के शिवालय की ओर बढ़ रहा है। पर इस शिव भक्त को अगर कलयुगी श्रवण कुमार कहे तो ये भी उसके लिए सटीक बैठेगा। वहीं गाजियाबाद के मुसाडीपुर में भी आज एक पोता राहुल सैनी कलयुगी श्रवण कुमार बन गया। शिव भक्त राहुल सैनी अपने बूढ़े दादा दादी को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला। बता दें कि राहुल सैनी ने तराजू नुमा पालकी में एक तरफ अपने दादा को तो दूसरी तरफ दादी को बैठाया और वहीं पालकी में अमृत गंगा जल रखा और फिर हरिद्वार से मेरठ तक यह यात्रा बड़ी मशक्कत और कठिनाई से पूरी की। इस यात्रा को मेरठ तक पूरा करने में राहुल को लगभग 16 दिन लग गए। इसके बाद वह अपने गंतव्य गाजियाबाद की ओर बढ़ रहा है। जब श्रद्धालु मेरठ की सरजमी पर पहुंचा तो हमने उनसे बात की। इसके साथ ही राहुल और उसके दादा ने सभी श्रद्धालुओं व देशवासियों को संदेश भी दिया कि सभी को अपने माता पिता की हमेशा सदैव सेवा करनी चाहिए। वहीं मेरठ के जिलाधिकारी व SSP रोहित साजवान ने जिले का भ्रमण किया। देखिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है जी राहुल सैनी। मैं गाजियाबाद से अपने गांव से चला, गांव मसालापुर फरुख नगर हरिद्वार के लिए 19 तारीख को, और 20 तारीख को मैं वहां से चला शाम को। तो क्या लेकर चले हैं? आज तक कुछ नहीं, बस अपने बाबा दादी इनको घुमाने की इच्छा थी कांवड़ के लिए। इनको बहुत बढ़िया लग रहा है। हम सोच रहे कि हमें जैसे हमें कोई दूसरा भैया देखे कि हम उसके अंदर भी ऐसे हम भी घूमने चले, घुमा के लिए अपने बाबा दादी की, हम कुछ भी हो माता पिता को अपने बोले। अपना जो रूट तय करता हूँ 10 किलोमीटर का रोज पर डे में चलने का, सवेरे को चलता हूँ 5 किलोमीटर और शाम को चलता हूँ। अच्छा, रूट पर कोई कठिनाइयाँ तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रास्ता बना हुआ, योगी बाबा ने बढ़िया चयन में प्रशासन भी एकदम एकदम। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।